राजू रुला रहे थे, आंखों से आंसू खत्म हो गए। फैंस ने दिलासा इतना दिया परिवार को, पर परिवार भी अब हार मानने लगा था। 15 दिन पहले राजू के चेस्ट में दर्द हुआ और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनको एम्स लेके आना पड़ा और उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनके ब्रेन को डेड कर दिया गया था, डेड घोषित कर दिया गया था। अब 15 दिन बाद डॉक्टर्स ने खुशखबरी दी है, अब राजू की बॉडी में मूवमेंट दिखा है और ब्रेन भी हरकत करने लगा है, जिसके बाद फैंस बहुत खुश हैं। डॉक्टर्स ने 15 दिन में राजू को सही करने में इतनी मेहनत की है कि अब राजू के फैंस डॉक्टर्स को भी सराह रहे हैं। राजू का माइंड डेड हो चुका था, जिसके बाद राजू को वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था, एक्सटेंसिव केयर दी जा रही थी, जिसके बाद राजू अब अच्छा महसूस करने लगे हैं। कई बार तो ऐसे ट्वीट्स भी सामने आए जिनको देखकर, जिनको पढ़कर ये महसूस हुआ कि शायद अब राजू हमारे बीच नहीं रहे हैं। परिवार ने तो बिल्कुल समझ ही लिया था कि राजू शायद ही अब हॉस्पिटल से सही सलामत वापस आएंगे या अपने पैरों पर वापस आएंगे। राजू की बीवी जो सबको दिलासा दे रही थी, वो खुद हार मान चुकी थी। परिवार जो सबका हौसला बरकरार रख रहा था, सभी फैंस को कह रहा था कि नहीं, राजू एक फाइटर हैं, वो वापस ज़रूर आएंगे, वो खुद हार मानता दिखाई दे रहा था। अमिताभ बच्चन ने तो खुद एक ऑडियो क्लिप राजू के लिए भेजा कि राजू को सुनवाएं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी था कि राजू शायद वापस नहीं आ पाएंगे। शेखर जुमान ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि ये बहुत ही ख़राब संदेश है, बहुत ही गलत सूचना उनको मिली है, जिसके बाद सब हार मान बैठे थे कि शायद ही अब कुछ हो पाएगा। पर उसके बाद राजू की बॉडी ने मूवमेंट दिखाया, राजू के माइंड ने मूवमेंट दिखाया, जिसके बाद फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि सब महादेव की कृपा है कि राजू की बॉडी में ऐसे हलचल हुई है, उनके माइंड में ऐसे हलचल हुई है। राजू ने ग्रोथ तो की है, मतलब उनकी बॉडी, उनके माइंड में, उनके जो माइंड डेड घोषित कर दिया गया था, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तो दिखा है, बट ये बहुत कम इम्प्रूवमेंट है। पर हाँ, राजू अब ग्रो करेंगे, मतलब राजू अब इस बीमारी से लड़ेंगे। राजू जो कि एक फाइटर हैं, वो जल्द रिकवर होंगे, समय लगेगा पर वो रिकवर होंगे। डॉक्टर ने 15 दिन में क्या क्या किया ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स की मेहनत ही ऐसी है जिसने 15 दिन के अंदर ही राजू के माइंड में हरकतें होने का कारण अपने आप को बना लिया है। राजू के लिए बाहर से इंजेक्शन्स मंगाए गए, बाहर से करीब 25-25 लाख की कीमत के कई इंजेक्शन्स आए जिनको राजू को लगाया गया। राजू की बॉडी में खाने का तो कोई जरिया था नहीं कि उनकी बॉडी को कुछ एनर्जी मिल पाए, तो डॉक्टर्स ने नली के जरिए, मतलब पाइप के थ्रू, उनको फूड दिया, उनको दूध दिया, पानी दिया और सभी ज़रूरी मिनरल्स उन तक पहुँचाए उनकी बॉडी, ताकि कमज़ोर ना पड़े। साथ ही डॉक्टर्स ने 24 घंटे उनकी देखरेख की, परिवार ने भी उनकी देखरेख की, डॉक्टर्स ने भी उनकी देखरेख करी। कई लोगों ने उनसे मिलने की बात करी, परिवार ने खुद कह दिया कि अभी राजू की हालत क्रिटिकल है, तो मिलना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर जैसे जैसे अब राजू श्रीवास्तव की हेल्थ अच्छी होती जा रही है, लोगों को उम्मीद है कि राजू वापस आएंगे और एक बार फिर से उनको हंसाएंगे, फिर से वो उनके जोक्स पर वैसे ही ठहाके लगाकर हंसेंगे जैसे वो पहले हंसा करते थे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, तो जाहिर सी बात है करोड़ों लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि राजू जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर आएँ और उनके बीच खड़े हों। नमस्ते, मैं शशांक त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।